लोकसभा के चुनाव की हार को जन आदेश को स्वीकार्य कर रहे हैं। हमें आत्मचिंतन और आत्म मंथन कर रहे हैं, हार के कारणों का उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और विशेष तौर पर देवेंद्र झाझड़िया जी ने जो चूरू में यमुना का जल पिलाने की बात कही, 30 दशकों के बाद में भजनलाल जी की सरकार ने अल्पकाल के अंदर जो डीपीआर पर सहमति के लिए एमओयू बनाया हरियाणा का, हमने मुख्यमंत्री जी से मिलकर मांग की है कि इस बजट के अंदर वो प्रावधान करें और जो 3 बड़े पाइपों से यमुना का पानी आ रहा है, विशेष तौर पर काजेवाला हेड से वो पानी आए, ताकि यहाँ पीने के पानी और यहाँ के खेत को पानी मिले। दूसरा, चूरू के अंदर हमने भूमिकों पर कहा था कि चूरू शहर के अंदर चूरू के विकास के लिए हम 100 करोड़ की एक योजना लेकर आएंगे। अब जो 18,500 करोड़ की जो योजना 40 शहरों की में की स्वीकृत हुई, उसमें चूरू भी है, हम उसके लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं। चूरू के मनोरंजन क्लब को भी हम विकसित करेंगे और चूरू में जो वंचित वार्ड है उनमें सीवरेज और ड्रेनेज से लेकर सड़क का काम करेंगे। हार की नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए हम सेवा के काम में जुटेंगे मोटे तौर पर, यही मुझे कहना है। कोई और सवाल आपका हो तो आप सवाल। सर, जो हेरिटेज के लिए जो काम चल रहे हैं, देखिए चूरू के आगोश में इतिहास के कई बातें छुपी हुई है। हम इतिहास के उन बातों को हमारी पीढ़ी ग्रुप के होश के लिए विकसित करने के लिए, या एक और बड़े शहरों में जो चूरू नागरी प्रसिद्ध बनी हुई है, कलकत्ता में बनी है, अहमदाबाद में बनी है, बॉम्बे में बनी है, दिल्ली में बनी है, उन लोगों से संपर्क करके जिला कलेक्टर को हमने कहा है, झाझड़िया जी और हमारे विधायक जी के साथ एक ग्रुप जाकर उनको उस कुछ उनसे उन भावनाओं को प्रेरित करके उनको गौरव करने में उनकी हिस्सा राशि का उपयोग करेंगे। मेरी सरकार ने जो योजना हमें हमारे पास आ रही है इसके प्रोजेक्ट में उन चीज़ों को समझ मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा अधिकार भी नहीं है। मैंने आज कार्यकर्ताओं की सभा में भी कहा है कि इस हार के बाद नेतृत्व भी हमारे दूसरे नेता करें, हमें कार्यकर्ता के रूप में हमें काम करने का मौका जहाँ मिलेगा। सेवा का मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में अब अभी भी देख रहे हैं, बाहर बहुत से लोगों के हाथ में कागज है। उस सरकार भजनलाल जी की सरकार, भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी सिवन में जो मेरे प्रति आदर भाव है उसका भी उपयोग करते हुए शुरू के स्वर्णीय विकास में कोई किसर नहीं छोड़ी। मैंने हमेशा सभी लोगों को साथ लेकर चलने की राजनीति की है। कतिपय लोग जो कल तक हमारे पार्टी का हिस्सा थे वो इस वातावरण को चुनाव और चुनाव के बाद भी बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस वातावरण को बिगड़ने नहीं देंगे। सामाजिक सौहार्द रखते हुए, और मैं समझता हूं कि जब मैंने ये कह दिया हार की नैतिक जिम्मेवारी है प्रतिपक्ष के पूर्व नेता के रूप में, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, मैं उस जिम्मेवारी को स्वीकार करते हुए सारी कोई त्रुटि रही तो उसको भी मैं मेरी त्रुटि मानता हूँ, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करूँ।